मीडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास और इसराइल की जंग के बीच ईरान ने मुस्लिम देशों के संगठन OIC की बैठक में सभी सदस्य देशों से इसराइल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की अपील की है। ईरान ने कहा है कि संगठन के सभी सदस्य देश इसराइल के साथ तेल समेत अन्य तरह के सभी कारोबार पर प्रतिबंध लगा दें। साथ ही जिन सदस्य देशों के इसराइल के साथ राजनयिक संबंध है वो इसराइली राजदूतों को बर्खास्त कर दें। दरअसल मंगलवार को गाजा के एक अस्पताल में ब्लास्ट होने की वजह से बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। इसी पर चर्चा करने के लिए बुधवार को सऊदी अरब के जेदा शहर में OIC की एक आपातकाल बैठक बुलाई गई। इस बैठक में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन और अमीर अब्दुल्लाहियान शामिल हुए और इसराइल पर बैन लगाने की अपील की। ईरान के विदेश मंत्री ने बैठक में कहा कि सभी मुस्लिम देश इसराइल पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दें, जिनमें तेल से लेकर सभी चीज़ें शामिल हों। साथ ही जिस मुस्लिम देश के इसराइल के साथ राजनयिक संबंध है वह देश तत्काल रूप से अपने यहाँ इसराइली राजदूतों को बर्खास्त कर दे। वहीं ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि इसराइल की ओर से गाजा में हो रहे संभावित युद्ध अपराधों को दर्ज करने के लिए इस्लामिक वकीलों की एक टीम भी बनाई जानी चाहिए। मंगलवार शाम गाजा के अल अहली अस्पताल में हुए एक रॉकेट अटैक में 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस अटैक पर इसराइल का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि इसराइल इस ब्लास्ट के पीछे अपना हाथ नहीं बता रहा है। इसराइल का दावा है कि यह ब्लास्ट हमास के रॉकेट से ही हुआ है जो दिशा भटकते हुए अस्पताल पर जाकर गिर गया। दुखद बात है कि जिन लोगों की अस्पताल में मौत हुई उन सभी ने वहां युद्ध से बचने के लिए शरण ली थी। बैठक के बाद OIC की ओर से जारी बयान में गाजा अस्पताल में हुए हमले की कड़ी निंदा की गई। OIC की ओर से इसे संगठित राज्य आतंकवाद और युद्ध अपराध का एक मामला बताया गया। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ।